Hello guys, our today's topic is primer designing for PCR. In my previous video lecture, I have already discussed about PCR. In that video lecture, I have discussed what is PCR and steps of PCR. So in this video lecture, I am going to discuss primer designing for PCR, how the primers are designed for polymerase chain reaction. तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए जब हम प्राइमर डिज़ाइनिंग करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम अपने माइंड में कंसीडर करके प्राइमर की डिज़ाइनिंग करते हैं. तो वो पॉइंट्स हैं हमारे प्राइमर लेंथ, मेल्टिंग टेम्परेचर, प्राइमर डाइमर एंड बेस कॉम्पोजिशन. तो पहले बात करते हैं प्राइमर की. तो प्राइमर जो होता है वही जाके बाइंड करता है हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से. तो जो प्राइमर होता है वो यूनिक होना चाहिए. पीसीआर करने के लिए जो हमारा टारगेट डीएनए होता है उसमें हमें कुछ सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी हम पीसीआर कर सकते हैं. तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम प्राइमर को ऐड करते हैं. ऐसे रैंडम किसी प्राइमर को नहीं ऐड कर सकते हैं. डैट मीन प्राइमर यूज्ड इन पीसीआर शुड बी यूनिक प्राइमर यूज़ करना चाहिए. अब बात करते हैं प्राइमर लेंथ की. तो जो प्राइमर होता है हमारा जिसको हम अपने पीसीआर रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ 18 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स होनी चाहिए, मतलब 18 से 30 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ का प्राइमर होना चाहिए. अगर हमारा प्राइमर बहुत शॉर्ट है, शॉर्टर प्राइमर कुड लीड टू एम्प्लीफिकेशन ऑफ नॉन स्पेसिफिक पीसीआर प्रोडक्ट. अगर हमारा प्राइमर जो है बहुत शॉर्ट है तो वो क्या करेगा, हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से जाके बाइंड कर लेगा, नॉन स्पेसिफिकली बाइंड करेगा. और अगर वो नॉन स्पेसिफिकली बाइंड कर रहा है तो वो नॉन डिजायर्ड सीक्वेंस को भी एम्प्लीफाई कर सकता है. तो दीज आर द लॉसेस ऑफ यूजिंग वेरी शॉर्टर प्राइमर्स. सो वी शुड यूज ऑलवेज प्राइमर्स ऑफ स्पेसिफिक लेंथ दैट लाइज बिटवीन 18 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स. And second points that should be considered during the designing of primer is melting temperature. Now the question arises in our mind is what is melting temperature? So the temperature at which 1/2 of the duplex DNA will dissociate to become single stranded and indicates the duplex stability. तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारा जो डुप्लेक्स डीएनए है वो डिसोसिएट होके अपने इनिशियल का मतलब आधा रह जाए, टू बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए. और जो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर है वो इंडिकेट करता है डुप्लेक्स की स्टेबिलिटी को. ओके, मेल्टिंग टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, Tm = 4 × g + c + 2 × a + t डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मेल्टिंग टेम्परेचर. मेल्टिंग टेम्परेचर को डिज़ाइन करते टाइम एक बात और माइंड में रखनी चाहिए कि जो हमारे प्राइमर यूज़ हो रहे हैं, प्राइमर हमारे दो टाइप के यूज़ हो रहे हैं, इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर पेयर में यूज़ होते हैं. तो जो दोनों प्राइमर हैं उनमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. Both the primer and PCR reactions should have similar range of melting temperature to ensure that these will have same hybridization kinetics during annealing temperature. Okay guys, and the next factor is primer dimer. Primer dimer क्या है कि a large amount of primer are used in PCR. PCR में primer बहुत ज़्यादा यूज होता है. किस लिए यूज होता है, कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ टारगेट जीन, हमारे टारगेट जीन के कंपेयर में प्राइमर ज़्यादा यूज होता है. ये क्या करता है, अगर हम ज़्यादा प्राइमर यूज करते हैं तो दिस इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर डाइमर. इसकी वजह से प्राइमर डाइमर बनने की चांसेस भी ज़्यादा होती हैं बाय इंटर न्यूक्लियर इंटरैक्शंस. प्राइमर डाइमर हमारा दो टाइप का होता है, सेल्फ डाइमर, क्रॉस डाइमर. सेल्फ डाइमर, अगर हमारा सेम टाइप का प्राइमर एक दूसरे से इंटरैक्शन कर ले तो वो सेल्फ डाइमर, और अगर दो डिफरेंट प्राइमर, सेंस एंड एंटी सेंस प्राइमर अगर वो इंटरैक्शन करे तो क्रॉस डाइमर फॉर्म होता है. अगर प्राइमर डाइमर ज़्यादा बन रहा है तो उससे हमारे प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट यील्ड इफेक्ट होगी, रिड्यूस होगी. द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर डाइमर प्रिवेंट्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्राइमर टू टेम्पलेट डीएनए, देयर बाय reducing the product yield. Okay,
तो वी शुड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर डाइमर. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस कॉम्पोजिशन. बेस कॉम्पोजिशन आर जीसी कंटेंट. जीसी कंटेंट should be between 40-60% with an even distribution of all the four nucleotides. हमारे जितने भी nucleotides use हो रहे हैं, four nucleotide use हो रहे हैं, उनका जो content होना चाहिए वो 40-60% होना चाहिए. और हमारे GC content के basis पे ही हमारा TM की value define होती है. So guys, all these are about primer designing for PCR. And there are also some applications of PCR like clinical diagnosis, DNA sequencing, gene manipulation and expression studies, forensic medicine, comparative studies of genome. In my next video lecture, I'll discuss about PCR mechanism, techniques, reaction setup, etc. Thank you guys.